दोस्तों अभिषेक कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोग एवं कारक के जीव विज्ञान के पार्ट टू का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी, एएसएम, गुड्स गार्ड, एनटीपीसी, बीपीएससी, यूपीएससी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और अन्य बाद में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया एक प्रकार का जीवाणु हो गया, तो जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है वो आपको चुनना है। तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर का पता लगाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिटनस। टिटनस रोग एक जीवाणु जनित रोग है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि टिटनस क्या है। टिटनस रोग को लॉकजा रोग भी कहा जाता है। टिटनस रोग को लॉकजा रोग भी कहा जाता है और टिटनस रोग क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर ऐंठन होने लगती है। इस रोग को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, टाइफाइड है। अब ट्रिपल एंटीजन क्या होता है वो देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन में डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन, ये ट्रिपल एंटीजन में डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनस में लगा जाता। टाइफाइड डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। डीपीटी में काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया ये सभी रोग आते हैं और टाइफाइड इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के सामने। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टिगमेटिज्म एक आंख की बीमारी है। अब ये एस्टिगमेटिज्म बीमारी होता क्या है और ये किसकी वजह से होता है, नीचे देखते हैं व्याख्या में। ये रहा व्याख्या आप लोगों के सामने। एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म को अबिंदुकता रोग भी कहा जाता है। यह आँखों की बीमारी है। ये रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस्टिगमेटिज्म रोग होने का कारण क्या है, तो इसमें आंसर होगा कि यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के बीच में जो दोष हो जाता है उसकी वजह से यह रोग होता है और इस एस्टिगमेटिज्म रोग को भेगापन रोग भी कहा जाता है। तो इससे यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह रहा आप लोगों सामने। एथलीट फूट रोग किससे होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट फूट रोग किससे होता है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फंगस। फंगस वास्तव में कवक हुआ, कवक। अब ये एथलीट फूट रोग क्या है इसके बारे में जानते हैं। एथलीट फूट, टीना पेंडिस एथलीट फूट नामक रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। इस रोग में पैर की उंगलियों के बीच संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग में सूजन हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। अब डिप्थीरिया रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं।
ये देखिए आप लोगों के सामने, डिप्थीरिया रोग कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी, डिप्थीरिया रोग कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे मानव को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और दम घुटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ये आप लोगों के सामने, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। किस अंग की बीमारी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोनों है? तो चार ऑप्शन दिए गए इस दोस्तों, इसमें सही आंसर का पता लगाइए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है। अब ये ग्लूकोमा ट्रेकोमा क्या है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा या रोहा, ये तीनों बीमारियां आंखों की बीमारी है। इन तीनों बीमारियों में आंखों का कॉर्निया जो होता है वह बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है तथा व्यक्ति निंद्रा की अवस्था में लगता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी आंखों की बीमारी है, इनमें आंखों का कॉर्निया बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है तथा व्यक्ति निंद्रा की अवस्था में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर में यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है। अब ये हेपेटाइटिस बीमारी है क्या और ये यकृत को ही प्रभावित क्यों करता है, आइए नीचे व्याख्या हम देखते हैं। मानव शरीर में यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है जिससे मानव का शरीर संतुलित अवस्था से विपरीत कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बीसीजी टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग हुआ, इसमें बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस क्यूरिन होता है, बेसिलस क्लेमेट क्यूरिन। अब बीसीजी के टीके ट्यूबरक्लोसिस में लगाए जाते हैं तो इससे कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस क्लेमेटी क्यूरिन है। यह एक प्रतिरक्षी टीका है जो तपेदिक टीवी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से व्यक्ति में जनन क्षमता में कमी आ जाती है और इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विटामिन ई जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, इससे प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार के लिए व्यक्ति को विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए और इनके प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अंकुरित अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंग आदि का उपयुक्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी बीमारी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता। इसके उपचार हेतु विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए।
रतौंधी में आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना, ये सभी रोग विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा उल्टा दिया है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो आपका आंसर इसका ऊपर भी हो चुका है, देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। देखिए इसका व्याख्या, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग तथा विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने किडनी की समस्या के रोगियों के, क्वेश्चन है किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन को डायलिसिस भी कहा जाता है की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, विसरण। व्याख्या देखते हैं, किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन डायलिसिस प्रयोग किया जाता है। ये 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज। डायबिटीज बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। अब ये डायबिटीज बीमारी क्या है, किसकी वजह से होता है, इसमें किस चीज की कमी हो जाती है, आइए देखते हैं। डायबिटीज या मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्पस्रवण से होता है। इस रोग में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मनुष्य को डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिकेट्स है एक बीमारी। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है। इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है, इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने, कोई भी क्वेश्चन हौला समझकर मत छोड़िए, अक्सर एग्जाम में हौले क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सीएम से अधिक होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सीएम हो जाती है या इससे अधिक हो जाती है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कैंसर। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग नहीं है। इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दूषित जल जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैजा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह दूषित जल जनित रोग नहीं है, किंतु यह जल संक्रमण रोग अवश्य है। यह गंदे जल से भी उत्पन्न हैजा हो सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो इससे पहले इसका आंसर हो चुका है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, यहां पे लिख लीजिए चेचक, डिमिस, ज्वर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, हैजा। हैजा जल संक्रामक तथा चेचक स्वसंजक रोग है। हैजा जीवाणु जनित रोग और चेचक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में डैश भी दिया हुआ है, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी इस रोग में रोगी की प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है, रोगी को तेज बुखार आ जाता है और सिर दर्द करने लगता है। प्लेग रोग चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हैजा रोग मक्खियों द्वारा भी फैल सकता है, फैलता है। प्लीहा रोगी को, प्लेग रोग चूहों द्वारा पिस्सुओं से होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज हैजा मक्खियों द्वारा फैलता है। क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। अब ये बीमारी क्या है, मेरुदंड को प्रभावित क्यों करती है, आइए व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या, स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता, मेरुदंड की हड्डियों के जोर कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति ज्यादातर लेटना पसंद करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें मायोपिया आखिर क्या है, मायोपिया के दोष क्या हैं, इससे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, तो मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस रोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती।
इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात या हार्ट अटैक रोग हो जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से मानव शरीर में हृदय घात रोग हो जाता है। अब ये देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदय घात हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, फेफड़े। क्षय रोग से मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अब ये क्षय रोग क्या है, किसके कारण होता है, देखते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, फाइलेरिया रोग कृमि से होता है। कृमि, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखाई देने वाले सूत्रकृमि राउंड वॉर्म से होता है। यह प्रायः उष्णकटिबंधीय रोग है। फील पांव अथवा हाथी पांव रोग बुचेरिया ब्राउन कैप्टी और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। फाइलेरिया परजीवी द्वारा रोग होने वाला है, यह सूत्रकृमि से होता है, यह उष्णकटिबंधीय रोग है। हाथी पांव रोग बुचेरिया ब्राउन कैप्टी और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। व्याख्या भी देख लीजिए, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। घेघा रोग किसमें होता है, देखते हैं। घेघा या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये तो जान चुके हैं। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथियां फूल जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। विवृत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए आप लोगों के सामने, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों, एगोराफोबिया का अर्थ खुले स्थान का डर होता है। कोई भी मनुष्य खुले स्थान पर प्रायः भयभीत हो जाता है, उसे एगोराफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? तो इसका चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चॉकलेट में प्रायः निकेल होता है, ठीक है, लेकिन अधिक अंश मात्रा में लेड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें लेड का अंश अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों के सामने, ORT मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ORT चिकित्सा अतिसार रोग से संबंधित है। ORT का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, ओरल रेड्रेशन थेरोपी अतिसार रोग का संबंध है। ORT का फुल फॉर्म रट लीजिए, ये रहा, PVI है, पूछ सकता है एग्जाम में, ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। चार ऑप्शन दिए गए आप लोगों के सामने, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड प्रदूषित जल पीने के पश्चात मनुष्य भली भांति इससे प्रभावित हो जाता है। अब इस रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रोइंटेराइटिस रोग होने की आशंका रहती है, जिससे मानव का शरीर प्रभावित हो जाता है और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। यहीं तक वीडियो, नमस्कार दोस्तों, अगले पार्ट के लिए इंतजार करें, अपने घर में रहें, जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।